जांच एजेंसियों को शक अब गहराता जा रहा है। सीमा हैदर से आज फिर से एटीएस पूछताछ कर सकती है। सीमा को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलने का शक, जांच एजेंसियों को हो रहा है। कोड वर्ड से सीमा से कई सारे सवाल पूछे गए हैं। सीमा के बच्चों से भी पूछताछ की गई। सीमा और बच्चों के बयानों को भी मिलाया जा रहा है। तो देखिए, यूपी एटीएस का सीमा हैदर पर जो शक है वो गहराता जा रहा है। तो यूपी एटीएस को सीमा हैदर पर शक है और अब ये शक गहराता जा रहा है। सहयोगी नरेंद्र जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, देखिए, ये कई सारे सवाल हैं जो लगातार सीमा हैदर के मामले में एटीएस जो है जवाब चाहती है, क्योंकि पासपोर्ट देखिए अलग बात बताता है, सीमा अलग बात बताती है, साथ ही भाई और चाचा के कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं पाकिस्तान आर्मी से। इसके साथ ही कई सारे फौजियों को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, सचिन पहला व्यक्ति नहीं था जिससे सीमा ने बात करी। कुल मिलाकर कई सारे सवाल, लेकिन जवाब के नाम पर सीमा खामोश। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे यही है कि जो सीमा है वो लगातार यूपी एटीएस लगातार दो दिन से सीमा से पूछताछ कर रही थी, और जो यूपी एटीएस की जो लगातार जो जवाब थे उन पे कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर है वो चुप्पी साधी हुई है, क्योंकि जो सीमा हैदर के जो सोशल अकाउंट की जो रिकवरी की गई है उसमें साफ तौर पर यही देखा गया है कि जो सीमा हैदर है उसने दिल्ली से लेकर तमाम कुछ पाकिस्तानी जो फौजी हैं उनको भी रिक्वेस्ट भेज रखी है अपने अकाउंट से, और साथ ही साथ दिल्ली एनसीआर में कुछ लड़कों से भी कनेक्ट थी सीमा हैदर, क्योंकि वो इंस्टाग्राम से उनसे बात कर रही थी। तो कहीं ना कहीं जो ये बातें निकल कर आ रही हैं सामने की जो सीमा हैदर है जो कहीं ना कहीं वो जो यूपी एटीएस की जो जवाब है उनको सही तरीके से नहीं दे पा रही है, कहीं ना कहीं उलझन में डाल रही है, क्योंकि लगातार दो दिन से इनसे करीब 8 से 9 घंटे लगातार सीमा हैदर, सचिन और सचिन के पिता नेत्रपाल, तीनों से ही लगातार यूपी एटीएस ने अलग अलग बात की थी, और जो इनकी जो जो सीमा हैदर के जो बच्चे हैं उनसे भी बात की गई थी। तो जो सवाल है अब यूपी एटीएस लगातार सभी जो तीनों के जो बयान थे उनको मैच कर रही है, अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो सीमा हैदर है वो ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव थी, और पाकिस्तान भारत आने से पहले इसने रील बनाकर भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पर, मैं इंडिया जा रही हूँ, और साथ के साथ ये भी कई लड़कों से ये पहले से सोशल मीडिया के उससे दिल्ली में कनेक्ट थी, और इसके पास से जो इसके इंस्टाग्राम जो आईडी से कुछ जो डाटा यूपी एटीएस ने रिकवर किया उसमें ये आर्मी की ड्रेस पहनकर इसने रील बना रखी है। तो कहीं ना कहीं जो, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सीमा हैदर पाकिस्तान से जो आई है इसको उर्दू बोलनी नहीं आती, उर्दू बोलनी नहीं आती है, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलती है। इसके साथ ही शक इसलिए और ज्यादा गहरा रहा है यूपी एटीएस का, क्योंकि कहा जा रहा है कि शक ये है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो है वो मिली हुई है सीमा को, इसलिए शायद वो हर चीज इतनी अलग तरीके से कर रही है कि यूपी एटीएस जो है वो भी चौंकना है। इस बीच 16 घंटे की पूछताछ पहले हो चुकी है, आज फिर से पूछताछ हो सकती है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे यही है कि जो सीमा हैदर है वो इस समय बिल्कुल यूपी एटीएस के जो रडार पर है, क्योंकि लगातार दो दिन से पूछताछ यूपी एटीएस कर रही थी, और आज भी यूपी एटीएस सीमा हैदर से बात कर सकती है, क्योंकि जो सामने, क्योंकि कल जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो अधिकारी थे वो भी वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी इससे सीमा हैदर से बात की थी, क्योंकि जो इंग्लिश का फ्लुएंट है वो बहुत अच्छा है इसका, उर्दू बोलनी आती नहीं है और हिंदी में बहुत अच्छे से जवाब देती है। तो कहीं ना कहीं जो शक है वो उसका बढ़ता ही नजर आ रहा है, क्योंकि नेपाल के रास्ते जब भारत पहुंची थी तो पाकिस्तान से ये करीब 70,000 रुपए की कीमत का जो मोबाइल था उसको साथ लेकर आई थी, और इसने जैसे ही भारत में जब ये एंट्री करी और सचिन से जब मिली इसने ये फोन, उस समय फोन तोड़ दिया था, वो टूटा हुआ फोन भी सुरक्षा एजेंसियों ने अपने पास रख लिया, उससे पूरा डाटा रिकवर किया जा रहा है धीरे धीरे। अभी जी ये और जानना चाहेंगे कि क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए आज ये तीसरा दिन है जब पूछताछ हो रही है, अभी आगे कितनी और पूछताछ एटीएस करने वाले, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये जांच रिपोर्ट जो है वो लखनऊ भेजी जाएगी, लखनऊ से गृह मंत्रालय, और फिर ये फैसला किया जाएगा कि सीमा भारत में रहेगी सचिन के साथ या फिर वापस उसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा।
देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जो सीमा हैदर है, सीमा हैदर पे के जो डाटा है वो अभी उसको पूरा जो सुरक्षा एजेंसी जो इस मामले में लगी हुई है वो रिकवर कर रही है। जैसे ही इसमें और कुछ और जो निकल कर आएगा, क्योंकि यूपीएटीएस अपनी पूरी रिपोर्ट लखनऊ को भेजेगा, लखनऊ शासन से वो गृह मंत्रालय जाएगी, गृह मंत्रालय से ही डिसाइड हो पाएगा कि सीमा रह पाएगी या नहीं। क्योंकि अभी सीमा मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा पुलिस ने सीमा को जेल भेज दिया था पकड़ने के बाद, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी जो फरीदाबाद से हुई थी, सीमा और सीमा के पति सचिव को बच्चे सहित जेल में भेज दिया था ग्रेटर नोएडा। उसके बाद ये जमानत पर छूटी थी और जो कोर्ट ने जमानत दी थी उसमें भी शर्त यही रखी गई थी कि जो सीमा है वो देश को नहीं छोड़ेगी, बिन बताए कहीं पर भी नहीं जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो ये चीजें हैं अब, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी निकल कर आ रही है कि जो पुलिस है इसमें सीमा हैदर के उसमें कई धाराएं और भी बढ़ा सकती है, क्योंकि कल भी एक मुकदमा लिखा गया है। और तो कहीं ना कहीं जो ये जमानत है वो खारिज भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो सीमा हैदर है वो कोर्ट से जमानत पर ही आई हुई है। जी एक चीज और हम ये देख रहे हैं कि एटीएस जो पूछताछ कर रही है उसमें नरेंद्र, देखिए आपको भी जानकारी मिली कि जो कोड वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, आईएसआई के जो कोड वर्ड्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब एटीएस चाहती है कि मिल जाए, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में क्या लगता है अब ये जांच का दायरा जो है वो किस तरह से और सीमित होगा या इसका विस्तार किया जाएगा? चारुल मैं यही बताना चाहूंगा कि जो यूपी एटीएस है वो लगातार जो सीमा हैदर से दो दिन जो लगातार 8 से 9 घंटे जो पूछताछ हुई है उसमें जो सीमा हैदर के जो मोबाइल का जो डाटा था उसी बेस पर जो यूपी एटीएस है वो काम कर रही है। क्योंकि लगातार जो सीमा हैदर है वो कोड वर्ड में बात करती थी कुछ लोगों से सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं जो यूपी एटीएस का वो शक था कहीं जो सीमा हैदर है वो पाकिस्तानी जासूस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए।